जेल में जाकर निधि ने भड़का दिया शौर्य को और शौर्य ने ले लिया लूथरा हाउस को छोड़ने का फैसला और राजवीर ने छू लिया गलती से करण का पैर और करण ने दे दिया आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि शौर्य को पूरे लूथरा परिवार के खिलाफ भड़काने के लिए जेल में शौर्य के पास जाएगी और शौर्य को रोने का इमोशनल ड्रामा करती हुई कहेगी कि शौर्य तू बेटा ठीक तो है ना, मैं तुम्हारे बिना बेटा घर में जी नहीं पा रही, अभी मैं किस तरह तुम्हारे बिना मैं घर में रह रही हूँ वो मुझे ही पता है। जिसे सुनकर शौर्य कहेगा मॉम आप फिक्र मत करो मैं जल्दी जेल से बाहर आ जाऊंगा। जिसे सुनकर निधि अपने आंसू पोंछकर शौर्य को कहेगी बेटा शौर्य तुझे पता है ना कि पूरा लूथरा परिवार तुझसे प्यार नहीं करता, इनफैक्ट तुम्हारे बड़े पापा यानी कि ऋषभ लूथरा तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए सबको मना कर दिया है और कहा कि तुम्हें जो जेल हुई है वो सिर्फ तुम्हारे किए की सजा है और राजवीर ने अपनी माँ के लिए बिल्कुल सही किया। यह निधि के मुँह से सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य निधि का हाथ पकड़ के कहेगा मॉम बस सब बहुत हो गया, मैं जैसे ही इस जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं उन लूथरास को पूरी फैमिली को छोड़ दूंगा, नहीं रहूंगा मैं उनके साथ, मैं उन्हें बाइकआउट कर दूंगा मेरी जिंदगी से। जिसे सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और निधि अपने फायदे के लिए शौर्य को प्यार जताती हुई कहेगी शौर्य तुम ऐसा मत करना क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है, वो तुमसे थोड़ा बहुत तो प्यार करते हैं। जिसे सुनकर शौर्य कहेगा ऐसे प्यार का मैं क्या करूंगा, मॉम आप तो मुझसे प्यार करती है ना। तभी यह सुनकर निधि अटक कर हाँ कहेगी और शौर्य को एक पल के लिए निधि के प्यार पर डाउट होगा, इसलिए जब शौर्य कहेगा कि मुझे पता है कि मॉम आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और मैं आप ही के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगा, मुझे ऐसी फैमिली की कोई जरूरत नहीं है, तब यह सुनकर निधि मनीमन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और मनीमन खुश होकर कहेगी शौर्य लूथरा लूथरास का वारिस है, ऋषभ लूथरा और करण लूथरा के बाद सारी प्रॉपर्टी शौर्य लूथरा की है, इसलिए आगे चल के अगर शौर्य अलग हो जाता है तो मैं शौर्य के जरिए लूथरास की सारी प्रॉपर्टी निकाल लूंगी। यह सब निधि अपने मनीमन सोचेगी और लेकिन जब राजवीर हॉस्पिटल से अपनी मॉम का रिपोर्ट लेकर निकल रहा होगा तभी करण अपनी दादी का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आएगा, जहां पर करण अपनी कार के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होगा और राजवीर अपनी माँ प्रीता का रिपोर्ट लेकर निकल रहा होगा, तभी करण से टकरा कर राजवीर का रिपोर्ट गिर जाएगा और वो रिपोर्ट सीधे करण के कदमों में जा गिरेगा, इसलिए जब राजवीर अपनी माँ प्रीता का रिपोर्ट उठाएगा तभी राजवीर करण के पैर को गलती से टच कर लेगा और करण गलती से राजवीर के पीठ पर हाथ रखकर जीते रहो का राजवीर को आशीर्वाद दे देगा और राजवीर जब अपने कानों से करण का आवाज सुनेगा और करण को अपने सामने देखेगा तभी राजवीर को काफी बड़ा झटका लगेगा और राजवीर को देखकर करण को भी शॉक लगेगा और राजवीर ने शौर्य को जेल से बाहर निकालने से मना कर दिया है, इसलिए करण राजवीर से मुंह फेर लेगा, जिसे देखकर राजवीर को काफी ज्यादा अजीब लगेगा और ऐसे अपने पापा को उदास होते हुए देख दिल से राजवीर को बुरा लगेगा, इसलिए जब राजवीर अपने घर जाएगा और प्रीता को कहेगा कि माँ मैं वो शौर्य लूथरा का केस वापस लेने जा रहा हूँ आप यहीं पर रहिएगा, यह सुनकर प्रीता राजवीर को कहेगी राजवीर अचानक से तुझे क्या हो गया, कल तो तू केस लेने से मना कर रहा था और आज तू केस वापस लेने जा रहा है। जिसे सुनकर राजवीर कुछ बोल नहीं पाएगा और राजवीर शौर्य की जेल में बेल करवाएगा और लेकिन निधि की करण की पूरी प्रॉपर्टी हासिल करने की चाल की असली सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और आप करण और उनके दो बेटे शौर्य राजवीर को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको करण प्रीता की जोड़ी कैसी लग रही है कैसा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।